वार्ता करते हुए बीजेपी सरकार प्रति का हमला बोला। सरकार में भाजपा की सिटिंग मिनिस्टर अजय मिश्रा उर्फ तेनी की अपनी गाड़ी से उनके अपने बेटे आशीष मिश्रा ने लखीमपुर खीरी में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर करीब 4 किसानों की हत्या कर दी। ये मामला वीडियो के अंदर कैद हुआ, जिसके अंदर देखा जा सकता था कि भाजपा के केंद्र सरकार के मंत्री की गाड़ी में मंत्री के बेटे ने निहत्ते किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी। और उस इंसिडेंट से एक हफ्ते पहले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने किसानों को धमकी दी थी कि मैं तुम्हें देख लूंगा, और एक हफ्ते बाद ये हादसा, ये प्रीमेडिटेटेड क्राइम, ये हत्या उनके पुत्र ने अपने भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ की, और वीडियो पे है, सबके सामने मौजूद है। बात क्या हुआ, पुलिस FIR नहीं दर्ज कर रही थी, FIR के अंदर मंत्री के बेटे का नाम नहीं डाल रही थी, बड़े दबाव के बाद नाम डाला गया। फिर क्या हुआ कि हत्या के आरोप में दफा 302 लगने के बावजूद 120B, 302, 338, 304, 142, 149 ऐसी गंभीर धाराओं को लगाने के बावजूद केंद्रीय मंत्री के बेटे को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा था। और ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की पुलिस से पूछा, ऐसा कोई और उदाहरण है कि 302 के मुकदमे के आरोपी को आप गिरफ्तार ही नहीं कर पा रहे, आप उसको समन भेज रहे हो, आ नहीं रहा आपके पास, और आप तक उसको गिरफ्तार नहीं कर पा रहे। फिर कोर्ट की डायरेक्शंस पे मंत्री जी के बेटे गिरफ्तार किए गए। उसके बाद बार बार विक्टिम्स को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा और बार बार यह सामने आया कि पूरी की पूरी भाजपा की उत्तर प्रदेश सरकार और भाजपा की केंद्र सरकार एक हत्यारे को बचाने के लिए लगी हुई थी। ये सबके सामने आया, ऑल द एक्यूज्ड, और जानबूझ के कई FIR को क्लब किया गया ताकि मामले को हल्का कर दिया जाए। मतलब एक तो FIR है कि आपने किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा के हत्या कर दी, उसके ऊपर भाजपा के कार्यकर्ताओं से FIR करा दी गई बॉम्ब लिंचिंग की, और उसको जानबूझ के उत्तर प्रदेश की पुलिस ने दोनों FIR को मिला के इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश की ताकि मामला और खराब हो जाए और उलझाया जाए उसको, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रोका। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बार बार उत्तर प्रदेश की पुलिस की खिंचाई की, उत्तर प्रदेश की सरकार की खिंचाई की कि आप अपनी पार्टी के केंद्रीय गृह मंत्री और उसके बच्चे को बचाने के लिए खुल्लम खुल्ला इन्वेस्टिगेशन के अंदर गड़बड़ी कर रहे हैं, आप सीधा सीधा आरोपी का साथ देते हुए दिख रहे हैं। यह चीज सुप्रीम कोर्ट के सामने भी आई। उसके बाद क्या हुआ, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला सुना गया, और खास बात यह है कि जिस आरोपी को बेल मिली उसकी बेल के खिलाफ उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार नहीं गई। वरना होता यह है कि अगर आरोपी को बेल मिलती है तो सरकार जो है दूसरी कोर्ट में जाती है, बड़ी कोर्ट में अपील करती है कि यह बेल गलत मिली। SIT के जो अध्यक्ष हैं पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज, उन्होंने कहा है एफिडेविट पे कि मैंने कहा उत्तर प्रदेश सरकार को कि आप इसके खिलाफ अपील में जाएं, और उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं गई। और जिनके बच्चे मरे हैं, जो विक्टिम है, उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा यह कहने के लिए कि हाईकोर्ट में हमारी सुनवाई तक नहीं की गई,
हाई कोर्ट ने, उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट ने, मुझे लगता है कि बहुत शर्म की बात है कि हाई कोर्ट के विक्टिम की बात ही नहीं सुनी, कंप्लेनेंट्स की बात सुनी ही नहीं गई, और बिना उनको सुने, बिना उनको मौका दिए अजय कुमार टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को बेल दे दी गई। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। एसआईटी के जज के कहने के बावजूद उसकी अपील करने के लिए वो आगे नहीं आए, अपील खुद विक्टिम को करनी पड़ी। और सुप्रीम कोर्ट क्या लिखता है, द डिनाइल ऑफ विक्टिम्स टू बी हर्ड एंड टेयरिंग हर इज शोन बाय द हाई कोर्ट मेरिट सेटिंग असाइड द बेल ऑर्डर, द ऑर्डर कैनॉट बी सेट। दिल्ली में अनुमान